अगाध श्रद्धा भगवान श्री राम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बहुत पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान उन्होंने जो पंक्तियां लिखी वो यहां बताना उपयुक्त होगा। राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन दर्शन प्रीति प्रवृत्ति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर हैं। राम हमारा धर्म हमारा कर्म हमारी गति है। राम हमारी शान हमारा भाल हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों के चरमोत्कर्ष कहां, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां। ये उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले खुद किए थे, खुद लिखे थे, उनकी लेखनी है। तो निश्चित तौर से प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सनातन संस्कृति के प्रतीक राम, सत्य शाश्वत सनातन प्रभु श्री राम, भारत के आत्म तत्व श्री राम, जब आज उनका अयोध्या में ही वनवास समाप्त हुआ है तो यह क्षण पूरे देश पूरी दुनिया और पूरी मानवता के लिए विलक्षण है। इस वक्त आप समझिए अयोध्या धराधाम में जो उपस्थित हैं शरीर से उनको कितने आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं आनंद के सिंधु हुए हैं। उनकी एक बिंदु से कोटि कोटि ब्रह्मांड आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं। उनके नाम में ही र आ म में अग्नि सूर्य और चंद्रमा के तत्व के रूप में अमृत की वर्षा होती है और वही श्री राम आज फिर से प्रतिष्ठित हो रहे हैं जन जन में मन मन में। भगवान नारद की वीणा की स्वर लहरियां अनंत अनंत ब्रह्मांड को इस वक्त श्री राम नाम की धुन से गुंजायमान कर रही हैं। भगवान श्री राम के आराध्य सखा और सबसे बड़े प्रेमी भगवान शिव शंकर अपने डमरू की नाद से तीनों लोगों को आनंदित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में हमारे राजा पुरंदर, मृदंग और सभी देवता मजीरे झाज और घंटे घड़ियाल की सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त आप देखिए जटायु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी और वह जटायु जिन्होंने त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो एक योद्धा के रूप में एक वीरव्रती के रूप में एक राम के भक्त और अनन्य जीव के रूप में उन्होंने रावण का सामना किया। घायल हुए वीरगति प्राप्त होने से पहले सदगति देने के लिए भगवान श्री राम स्वयं प्रस्तुत हुए और भगवान श्री राम के ही भुजाओं में जटायु का स्वर्गवास होता है, सदगति प्राप्त होती है। ऐसा विरला क्षण किसी को नहीं प्राप्त होता। आप देख सकते हैं इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर पर जो मंदिर है उसके पास जो कुबेर टीला है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मंदिर है कामेश्वर महादेव का जो पुराना मंदिर है इसका जीर्णोद्धार राम मंदिर ट्रस्ट ने ही करवाया है। पहले से ये मंदिर यहां पर मौजूद था, उस मंदिर में पूजा अर्चना की है। जो कुबेर टीला है जहां पर प्रधानमंत्री ने ये पूजा अर्चना की है करीब 100 फुट ऊंचा है और मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है। तो इस मंदिर प्रांगण में सिर्फ राम लला ही विराजमान नहीं है, अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। भव्य मंदिर बनाया गया है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जटायु जी पक्षीराज जटायु जी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जटायु के बिना रामायण पूरी तरह से कभी रामायण की चर्चा जटायु राज के बिना अधूरी है। निखिल जी निश्चित तौर पर जटायु राज के बिना ये चर्चा अधूरी है और फिलहाल ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं रामलला का विग्रह देख रहे हैं ये अब जीवंत हो उठी है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है, ऐतिहासिक रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस परिसर में अगर कहा जाए तो अयोध्या धाम में मौजूद है। इसको आप देखेंगे तो इसमें बाल तत्व भी है, देव तत्व भी है और राजकुमार की छवि भी है जी। बेहद सौम्य मुद्रा बाल मुद्रा जो है भगवान श्री रामलला की इसमें नजर आती है जी निश्चित तौर पर। और ये सबके मन को मोहने वाली है, मन को हरने वाली है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं, सदियों की अभूतपूर्व त्याग बलिदान
और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे राम आ गए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के स्व की चेतना भी लौटी है प्रधानमंत्री के शब्दों में, और उसके साथ ही साथ कुछ संकल्प भी लिए गए हैं आज इस राम मंदिर परिसर से। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।